लॉकडाउन की स्थिति में लोगों को घर द्वार पर रसोई गैस उपलब्ध हो इसके लिए नेरचौक स्थित शहीद यशवंत सिंह इंडियन गैस के प्रबंधन ने कार्य करना शुरू कर दिया है। बलघाटी के अधिकतर गांव ऐसे थे जहां गाड़ियां नहीं पहुंचती थी और लोगों को अपने कंधे पर गैस सिलेंडर लेकर फोकल पॉइंट पर गैस प्राप्त करने आना पड़ता था, लेकिन अब लॉकडाउन की स्थिति में कुछ गांव चिन्हित किए गए हैं जहां पर जीप योग्य सड़क बनाई गई है। उन सड़क मार्गों पर अब फोकल पॉइंट बनाकर लोगों को गैस प्रदान की जा रही है। आजादी के बाद पहली बार केहरेडी व जजरोत के ग्रामवासियों को शहीद यशवंत गैस एजेंसी के द्वारा गैस सिलेंडर की सुविधा उनके गांव में ही उपलब्ध करवाई गई, जिससे दोनों गांव के ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। सभी ग्रामवासियों ने युवा मोर्चा के अध्यक्ष संदीप चंदेल के साथ मिलकर विधायक इंदर सिंह गांधी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का धन्यवाद किया। कोरोना महामारी के बीच ये ग्रामीणों के लिए पहली खुशी का मौका है जिसको ग्रामीणों ने गैस की गाड़ी व गैस वितरण करने आए कर्मचारियों के ऊपर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत भी किया। नमस्कार, मैं संदीप चंदेल, भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष बल मंडल। आज हमारे क्रेड़ी व जजरात गांव में आज़ादी के बाद पहली बार गैस की सुविधा प्राप्त हुई। यहां से हम ग्रामीण अपने सिर पर उठाकर सोयरा 2 किलोमीटर तक सिलेंडर ले जाते थे, लेकिन प्रदेश सरकार और बल के लोकप्रिय विधायक के अथक प्रयासों के कारण यशवंत सिंह गैस एजेंसी के द्वारा आज हमें यह सुविधा अपने घर द्वार पर मिली। इसके लिए हम बल के विधायक श्री इंदर सिंह गांधी जी और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करते हैं।